आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस बात के सबूत पुख्ता हो गए हैं कि वहां पर एक विशाल मंदिर हुआ करता था। ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत होने पर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से साफ हो गया है कि वहां पर एक मंदिर था, इसलिए अब कोर्ट को साक्ष्य के आधार पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला करना चाहिए। आचार्य सत्येंद्र दास ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। कि मंदिर है ही है और मंदिर था ही, इसलिए उसको साक्ष्य को जो सार्वजनिक किया है वो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जाने कि ये मंदिर है और मंदिर के साक्ष्य हैं, और कोर्ट को भी अब ये सबूत मिल गए हैं, इसलिए कोर्ट को कोई अब संशय नहीं है, उसको स्पष्ट रूप से हिंदुओं के पक्ष में आदेश पारित कर दे, जिससे कि भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करके और उनकी पूजा अर्चना शुरू करें हिंदू। सत्येंद्र दास ने आगे ये भी कहा कि वहाँ शिव का ज्ञानवापी मंदिर है और उसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। जब हिंदू पक्ष में सारे सबूत हैं और मुस्लिम पक्ष में कोई सबूत ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वो ज्ञानवापी हिंदुओं का मंदिर है और वहाँ मस्जिद नहीं है। जो मस्जिद के नाम लेते हैं गलत है, वहाँ शिव का ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है और उनको हिंदुओं को दिया जाए, जिससे कि वो पूजा पाठ प्रारंभ करें। आपको बताते चले कि ज्ञानवापी की ASI रिपोर्ट संबंधित पक्षों को सौंप दी गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलने की बात कही गई है, जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद के पीछे की पश्चिमी दीवार एक मंदिर की दीवार है। उस दीवार पर घंटा, वल्लरी और स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। दीवार पर पत्थरों पर उकेरा गया ब्रह्म कमल का तोरण द्वार बना हुआ है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।